हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन ट्रेन वर्ल्ड में। दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम चलाने वाले हैं भगत की कोठी सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जो कि भाई पालनपुर स्टेशन पे इस वक्त खड़ी है। और हमारी जो करंट लोकेशन है वो पालनपुर रेलवे स्टेशन है। आप देख सकते हैं पालनपुर जंक्शन पे हम खड़े हैं। और हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो सिद्धपुर को स्टेशन है, वहाँ हमें इस ट्रेन को ले जाना है। दोस्तों, तो वीडियो को एंड तक देखना, जर्नी को फुल वॉच करना। और भाई, चैनल पे पहली बार अगर विज़िट की हो तो भाई चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो भाई चलते हैं, अपनी ट्रेन को रेडी कर लेते हैं पूरी तरह से। तो अभी हम देखते हैं भाई ट्रैक मॉनिटर पे क्या हो रहा है, कि हमारा सिग्नल मिला या नहीं मिला। हम थोड़ा सिग्नल का वेट कर रहे हैं। तो हम ट्रैक मॉनिटर ऑन करते हैं, जो कि F4 प्रेस करने से आता है। तो भाई ये देख सकते हैं हमारा ट्रैक मॉनिटर जो है हमारे सामने है, आपको दिख रहा होगा सिग्नल जो भाई हमें ग्रीन मिल चुका है और 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमें मिल चुकी है। तो भाई आज का हमारा जो लोकोमोटिव है मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप देखना चाहो। भाई हमारा जो लोकोमोटिव है 70480WDG4D लोकोमोटिव है, जो कि भाई हमजा जी का बनाया हुआ है। और काफ़ी शानदार ये लोकोमोटिव है, इसके अंदर सारी चीज़ बढ़िया है। दोस्तों, मैं आपका इसका एक बार कैब व्यू का नज़ारा दिखाता हूँ। दोस्तों, ये कैब है हमारे WDG4D का, जो कि आप देख सकते हो कितना शानदार कैब व्यू है। मतलब क्या डिटेलिंग दी है हमारे हमजा जी ने भाई, यहाँ से आप देख सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, मतलब जैसे रहता है। मेरे को मतलब पूरा लोको अंदर से चलाना नहीं आता, बस हॉर्न बजाने आते हैं और एक्सीलेटर मतलब मेरे को करना आता है भाई। तो अब हम भाई, हमें सिग्नल मिल चुका है, काफ़ी देर हो चुकी है, तो भाई चलते हैं। हम पहले अपने ट्रेन को थोड़ा सा रेडी कर लेते हैं। दोस्तों, वीडियो को फुल वॉच करना, क्योंकि भाई मज़ा आने वाला है, ऐसी नहीं है। तो भाई हमारी जो ट्रेन है वो बिल्कुल रेडी है निकलने के लिए। तो भाई हॉर्न बजा देते हैं, वार्निंग बेल बजा देते हैं, और पैसेंजर बोर्डिंग भी हमारी भाई कंप्लीट हो चुकी है। तो भाई चलते हैं। ये फर्स्ट हॉर्न हमने बजा दिया। अब पैसेंजर जितने भी होंगे ना पीछे, वो सब अलर्ट हो गए होंगे भाई, हाँ भाई एक्सप्रेस जो है चलने वाली है। तो भाई आराम से बैठ जाओ, और सेकंड हॉर्न बजाने के बाद हम यहाँ से डिपार्ट करेगी हमारी सुपरफास्ट एक्सप्रेस भगत की कोठी। तो भाई हम सेकंड हॉर्न बजा देते हैं। हॉर्न काफ़ी शानदार है, तो भाई अब निकलते हैं। तो देख सकते हैं अब हमारी जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। इस लोकोमोटिव की आज हम पावर देखेंगे दोस्तों, और आप भी मतलब देखना भाई कि मतलब ये लोकोमोटिव कहाँ तक हमारी ट्रेन को आज ले जाता है, किस तरीके से मतलब चलाता है। भाई ये कोई समोसे वाला है भाई, मेरे को दे दो यार, मेरे मुंह में पानी आ रहा है समोसे देख के भाई। और भाई आप साइड से देख सकते हैं, कोई मतलब कोयले वाली मालगाड़ी ट्रेन खड़ी है। आप साइड से आप देख सकते हैं भाई, कोई मालगाड़ी ट्रेन खड़ी है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा कि उसके साथ लोकोमोटिव मतलब कौन सा ऐड है भाई। तो वीडियो को मतलब स्किप मत करना भाई। प्लेटफॉर्म नंबर मतलब 4 पर थे भाई हम, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर भाई आप देख सकते हो, मतलब प्लेटफॉर्म काफ़ी हाई है और काफ़ी लंबा भी है। तो भाई अभी हम अपने ट्रेन के पास रहते हैं भाई। ओफो भाई, मेरे आपको मैं यार थोड़ा सा एक चीज़ दिखाना भूल गया, ये जो हमारी भाई मालगाड़ी खड़ी है ये कौन से लोकोमोटिव के साथ है भाई। ये जो आपका देख सकते हैं भाई WDG4, इसका रोड नंबर क्या है भाई, देख लेते हैं रोड नंबर क्या है भाई इसका। इसका जो रोड नंबर है भाई 14456 WDG4 विद मतलब फ्रेट ट्रेन या गुड्स ट्रेन आप कह सकते हो। तो भाई देख सकते हैं मतलब हम पालनपुर से निकल रहे हैं, और हमारी ट्रेन अभी तक मतलब अभी हल्के हल्के से मतलब अभी डिपार्ट कर रही है। तो भाई ये रहा आपका पालनपुर स्टेशन का, पालनपुर जंक्शन का बोर्ड नेम आप देख सकते हो, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं भाई, आपको नज़र आ रहा होगा पालनपुर का स्टेशन बोर्ड नेम है। और भाई ये देखो, कुछ हमारी एक्सप्रेस के कुछ AC कोच है जो मतलब अभी निकल रहे हैं, और हमारी ये एक्सप्रेस ट्रेन जो है पालनपुर स्टेशन को अलविदा कहने वाली है दोस्तों। तो अभी काफ़ी लंबी ट्रेन है, कोच भी काफ़ी शानदार है, आप देख सकते हो मतलब क्या मतलब शानदार ये मतलब व्यू है भाई। उफो, आगे ग्रास भी है काफ़ी सारी। तो भाई अब क्या करें भाई, ट्रेन तो छूट गई हमारी, लेकिन घबराओ मत भाई, हम अपनी ट्रेन के पास आ जा रहे हैं। भाई ये ट्रैक कहाँ जा रहा है साइड से, ये अंदर जा रहा है क्या पालनपुर में। अभी भाई हमें लिमिट तो मिल चुकी है भाई फुल स्पीड की, 110 तक हम जा सकते हैं, लेकिन अभी जाएंगे नहीं, हम थोड़ा धीरे धीरे चलेंगे, क्योंकि हमारा जो अभी स्टॉप होने वाला है वो जल्दी होगा, क्योंकि भाई अभी हमारा 9 किलोमीटर जो हमारा नेक्स्ट स्टॉप है वो यहाँ से रहने वाला है। तो हम काफ़ी हाई स्पीड में मतलब कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा हम हल्का सा थ्रॉटल को बढ़ा देते हैं। तो लोकोमोटिव का देखो आज पावर, आज हमारे हमजा जी का
WDG 4D लोकोमोटिव भाई, मतलब क्या क्या शानदार है इस टाइम, आप देख सकते हो भाई। और आप ये देख सकते हैं, मतलब एक चीज़ मैंने ऑन की है जो ये बता रही है कि बस हाँ भाई इस टाइम मतलब प्लेयर कोई ना कोई इसको मतलब प्ले कर रहा है, तो इसको हटा देते हैं ना, ठीक है वैसे अच्छा है, ताकि हम कोई दूसरी ट्रेन हमको मिलेगी खड़ी हुई तो भाई हमको पता तो चल जाएगा कि ये गाड़ी कौन सी जा रही है भाई। मतलब ये देखो भाई हमारा WDG 4 यार शानदार है, गज़ब है। और हमारे भाई इंडिया का मतलब फ्लैग वगैरह भी मतलब इस पर बना हुआ है, आप देख सकते हो। इसका यार हेडलाइट सिस्टम चेक करते हैं लोकोमोटिव का भाई। हाँ रेड लाइट तो जल गई, और फिर से प्रेस करते हैं एच, तो शिफ्ट प्लस एच आप दबाएंगे तो ये हॉर्न बज जाएगा, हॉर्न नहीं सॉरी यार हेडलाइट, ये हेडलाइट क्यों नहीं बज रही यार, बज नहीं रही सॉरी यार, हेडलाइट थोड़ी ना बजती है, वो तो ऑन होती भाई। थोड़ा सा मैं ये भाई आप देख सकते हैं हम डोर व्यू पे हैं, और भाई थोड़ा गार्ड साहब के पास भी चलते हैं, थोड़ा मतलब गार्ड साहब से हालचाल पूछ लेते हैं वो कैसे हैं। यहाँ पे हॉर्न की आवाज़ तो आएगी क्योंकि भाई हम आखिरी वाले कोच पे हैं, इसलिए हमें हॉर्न की आवाज़ आने वाली नहीं। दोस्तों ये कोच कितने शानदार हैं यार, आप देख सकते हो मतलब क्या शानदार मतलब डिटेलिंग है यार, आप कसम से यार मज़ा आ गया। तो भाई गार्ड साहब के पास जब हम खड़े रह रहे हैं ना भाई, तो यहाँ से हमें ट्रैक साउंड बहुत अच्छे आ रहे हैं भाई। तो भाई अभी तक मैंने अपनी इस एक्सप्रेस ट्रेन का मतलब अभी हाई स्पीड मैंने आपको नहीं दिखाया है, और मैं दिखाना भी नहीं चाहता भाई। थोड़ा सा हम रूल के अकॉर्डिंग ही एक्टिविटी को प्ले करेंगे ताकि हमें मज़ा आए और आपको देखने में भी मज़ा आए भाई। तो भाई आप देख सकते हैं अभी ट्रेन हमारी जो चल रही है वो 60 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, जबकि इसको लिमिट जो है भाई वो कितनी दी गई, 110 की मतलब लिमिट दी गई है भाई। और सामने कोई आप देख सकते हैं कोई स्टेशन है भाई, और हम उसको स्किप कर रहे हैं, यहाँ स्टॉप नहीं है, लेकिन भाई उम्मीद है स्टॉप जल्दी आने वाला है, क्योंकि रेड सिग्नल आप देख सकते हो ट्रैक मॉनिटर पे मतलब है यार लगा हुआ है। तो भाई ये देख लेते हैं ये कौन सी ट्रेन है भाई हमारी, ये भाई WDG वटवा शेड का WDG 3 है लोकोमोटिव, इसका रोड नंबर है 13456, ये रोड नंबर है आप देख सकते हैं। ये किस चीज़ के साथ भाई, कोई ऑयल टैंकर के साथ खड़ा है भाई, ऑयल टैंकर के साथ। तो अब गार्ड साहब के व्यू से आप मज़ा लेंगे पूरी क्रॉसिंग का, थोड़ी स्पीड और बढ़ा देते हैं, हल्की सी और बढ़ा देते हैं। तो भाई आप ये देख सकते हैं मतलब ये फ्रेट ट्रेन खड़ी है कितनी शानदार लग रही है, ऑयल टैंकर के साथ डबल विद डबल WDG 3 है लोकोमोटिव के साथ। ये शायद हमारी वजह से रुकी होगी भाई, अब हमारी ट्रेन आ गई है, तो जिस ट्रैक पे हमारी अभी ट्रेन अभी तक चल रही थी ना भाई, तो वो रूट जो है मतलब क्लियर हो गया इसके लिए, तो ये आप जा सकती है भाई शायद। मेरे को मतलब रियल में ऐसा ही तो होता है भाई, ट्रेन को तभी रोका जाता है कि मतलब जब उसके रूट पे कोई दूसरी ट्रेन जो होती है चलती भी होती है तो उसको रोका जाता है भाई। बाय बाय भाई, स्टेशन का नाम तो हम पढ़ नहीं पाए, चलो कोई बात नहीं है, लेवल क्रॉसिंग पे भाई अभी हमारी ट्रेन जो है, ये देख सकते हैं मतलब यहाँ पर फाटक वगैरह लगा है, तो अभी मतलब यहाँ को क्रॉस कर रही थी। भाई काफ़ी सारा ट्रैफिक है यहाँ पे यार, यहाँ देखते हैं यार। भाई ये देखो दूर तक मतलब ट्रैक है, कारें वगैरह हैं, मतलब उसकी भीड़ लगी हुई है। फाटक खुल दिया और भाई चल दिए, सामने से बस भी है आप देख सकते हो, ये बस आ रही है। तो थोड़ी देर भाई आपको मैं लोको पायलट बना देता हूँ थोड़ा सा। ये हम कैब व्यू में आ गए अपने WDG 4D के कैब व्यू में, यहाँ से मैं हॉर्न बजा के आपको बताता हूँ भाई। यहाँ से आप देख सकते हैं ये तीन बटन है, ये फर्स्ट हॉर्न बज रहा है, और ये सेकंड हॉर्न बज रहा है, और ये एक्सीलेटर है भाई, शायद मतलब मैं इसको अगर आगे करूँगा तो मतलब पूरी तरीके से आगे हो जाएगा। तो थोड़ी सी स्पीड और बढ़ा लेते हैं भाई, 76 किलोमीटर मतलब पर आवर से अभी हम चल रहे हैं भाई, तो जाहिर सी बात है मतलब अभी हमने रूल तो नहीं तोड़े, रूल के अकॉर्डिंग ही अभी हम एक्टिविटी को जो है मतलब अभी प्ले कर रहे हैं। और भाई एक चीज़ आप गौर कर सकते हैं, मतलब जो व्हील है हमारे लोकोमोटिव के WDG 4 के, मतलब आप देख सकते हो कितने शानदार हैं, मतलब ये व्हील कितने ऐसा लग रहा है मतलब रियल का कोई लोकोमोटिव मतलब इस टाइम चल रहा है। और भाई सामने ऐसा लग रहा है फिर से मतलब कोई स्टेशन आने वाला है, और सिग्नल आप देख सकते हैं मतलब ट्रैक मॉनिटर भी, और जो सिग्नल यहाँ लगा हुआ है सामने ग्रीन है, तो हॉर्न बजा देते हैं बड़ा सा हॉर्न बजा देते हैं भाई, पता चले कोई ट्रेन आ रही हो भाई। वहाँ भी मेरे को ऐसा लग रहा है कोई मतलब कोई लोकोमोटिव खड़ा है, लोकोमोटिव नहीं भाई पूरी ट्रेन खड़ी भाई। अब ये भी हम देखेंगे भाई और हम आपको दिखाएंगे ये मतलब कौन सा लोकोमोटिव है भाई। ये WDG 4, इसका रोड नंबर 14456, ये किस चीज़ के साथ खड़ा है भाई, ये कोई
कोयला मालगाड़ी एक्सप्रेस के साथ मतलब ये खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। स्टेशन का नेम अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, अभी तक मतलब स्टेशन का बोर्ड नेम हमने नहीं पढ़ा है। तो भाई देख सकते हो कोयले वाली गाड़ी है और मतलब काफ़ी लंबी है, इतनी भी लंबी नहीं भाई, हमारी तरफ तो काफ़ी मतलब लंबी लंबी मतलब ट्रेनें होती हैं, तो मतलब गेम में तो नहीं दिखाई जाती इतनी लंबी, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब लंबी नहीं थी फ्रेट ट्रेन। जिस तरीके से 40 या 45 के मतलब समथिंग उसमें कोच ऐड होते हैं भाई, आप समझ रहे हैं ना, 40-50 के समथिंग उसमें तो मतलब कोच रहते हैं, आप देख सकते हैं। ये कोई ब्रिज है यार, ओफो भाई नीचे नदी और मतलब पत्थर भी आपको नज़र आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। मतलब आप देखते हैं भाई, अभी सिंगल ट्रैक है तो भाई स्पीड थोड़ी स्लो करके चलो, आप देख सकते हैं रेड सिग्नल जो है हमारे कितना करीब बढ़ रहा है, काफ़ी मतलब करीब बढ़ रहा है रेड सिग्नल, आप देख सकते हैं। और भाई ये पता ही, ओफो भाई अभी लिमिट हमको मतलब पूरी की पूरी दे रखी है भाई, और आप सिग्नल देख सकते हैं, मतलब यहाँ के बाद आप देख सकते हैं येलो मिला हुआ है और येलो के बाद पूरा का पूरा रेड हो रखता है। तो आप देख सकते हैं अब हमने अपना थ्रॉटल बिल्कुल लो कर दिया है, अपने लोकोमोटिव को बिल्कुल फ्री कर दिया है, ज़्यादा मतलब वो नहीं किया है, बिल्कुल बिल्कुल फ्री कर दिया अपने लोकोमोटिव को यार। हाँ तो अब हमारा स्टॉप रहने वाला है स्टेशन पर, हम देखते हैं भाई हमें कितना लंबा स्टॉप दिया जाता है और कितनी देर तक हमको रोका जाता है, चलो देख लेते हैं भाई। हॉर्न बजा दें, पता तो चले भाई हाँ कोई ट्रेन आ रही है। और भाई यहाँ पे मेरे को तो ऐसा लग रहा है काफ़ी हैवी ट्रैफिक है यार, और कोई मतलब ट्रेन जो है अप्रोच कर चुकी है इस स्टेशन पे, आप स्मोक आपको आ रहा होगा जो कि रुक चुकी है, हमारी वजह से ही रुकी है, ऐसा नहीं है हमारी वजह से रुकी है, कोई WDG4 के साथ है भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मतलब कोई डबल कंटेनर के साथ मतलब इस स्टेशन पर अराइव की थी ये ट्रेन, आप देख सकते हैं मतलब ये अराइवल इस टाइम हमारा चल रहा है। तो अब हमारी ट्रेन जो है रुकने वाली है, लेकिन अभी थोड़ी सी आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि हमारा लास्ट कोच आना अभी बाकी होगा अंडर प्लेटफॉर्म, अभी देख सकते हैं हम काफ़ी दूर हैं प्लेटफॉर्म से, तो अपना पूरा मतलब लेके चलते हैं अपने कोच को, जब अंडर प्लेटफॉर्म हमारा जो है ये गार्ड साहब का कोच आ जाएगा। और भाई जाहिर सी बात है जब तक कि मतलब ट्रैक क्लियर नहीं होगा तो जो ट्रेन खड़ी है वो मतलब कैसे जाएगी, और मैं पक्का गारंटी देता हूँ जैसे ही हम ट्रैक को क्लियर करेंगे ना भाई, तो ये मतलब ये है इस ट्रेन को जाने का सिग्नल दे दिया जाएगा, मैं पक्के में कह सकता हूँ। आप देख सकते हैं मतलब इस टाइम काफ़ी सारे ट्रैक वगैरह चेंज हो रहे हैं, ये भी ट्रैक चेंज हुआ, अब हमने जो है भाई इस ट्रेन का जो रास्ता वो है बिल्कुल मतलब फ्री कर दिया है भाई, देख सकते हैं हम प्लेटफॉर्म में हमारा कोच को भाई देख सकते हैं, मतलब इसको शायद जाने का मौका दे चुके हैं भाई। तो अपनी ट्रेन के तो ब्रेक लगा लेते हैं, अभी स्टॉप होने वाला है। तो भाई आप देख सकते हैं फ्रेट ट्रेन चल दी है क्योंकि हमने इसका रास्ता जो है खाली कर दिया, जैसे ही मतलब हमारी ट्रेन जो है हटी वहाँ से तो एकदम से मतलब इसको जाने का सिग्नल दे दिया गया, और भाई देना भी चाहिए भाई, काफ़ी देर से बेचारी वेट कर रही होगी। तो भाई हम चलते हैं इधर, अब देख सकते हैं हमको भी सिग्नल मिल चुका है भाई, हम कोई कच्चे खिलाड़ी थोड़ी ना है यार, हमको सिग्नल मिल चुका है। तो भाई चलो अब यहाँ से मतलब थोड़ा सा ले लेते हैं स्टॉप यार, कम से कम थोड़ा तो स्टॉप देना चाहिए था, मतलब इतना कम स्टॉप रखा है ना यार, कम से कम 2 मिनट के लिए तो ट्रेन रुकती है यार। तो भाई अब चल देते हैं, इंसानियत दिखाने का ज़माना नहीं है, वार्निंग बेल हमने बजा दिए, तो देख सकते हैं हमारी ट्रेन जो है आगे बढ़ रही है क्योंकि सिग्नल मिल चुका है भाई, हम कैसे रुक सकते हैं। देख सकते हैं ये स्टेशन कौन सा है भाई, हाँ भाई से सिद्धूपुर, मेरे को तो ऐसा लग रहा है जैसे रुद्रपुर हो यार। मतलब नाम कुछ थोड़ा सा ना मिला हुआ सा लग रहा है भाई। तो देख रहे हैं हमारी ये एक्सप्रेस ट्रेन यहाँ से सिद्धूपुर से निकल रही है, अब नेक्स्ट स्टॉप हमें देखना है, नेक्स्ट स्टॉप हमारा कहाँ रहने वाला है। तो भाई महसाना जंक्शन भाई नहीं, महसाना जंक्शन से पहले भी मतलब कोई है ट्रेन, कोई स्टेशन है जहाँ पे हमारा स्टॉप रहने वाला है। तो देखते हैं भाई अब ट्रेन हमारी कहाँ तक कवर करती है, अभी 110 की लिमिट तो हमको एक बहुत जल्दी मिल जाती है, लेकिन यार और 110 की लिमिट जब हम करते हैं ना भाई, तो 110 की लिमिट के बाद होता क्या है भाई, वो फिर से हमारी लिमिट जो होती है स्पीड कम दिखाने लगती है। तो भाई हम हिसाब से चलेंगे ताकि अचानक से अगर हमारे करीब में रेड सिग्नल अगर पड़ जाए तो भाई हम आसानी से कवर कर सकें, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। हाँ तो आप यहाँ से देख सकते हो ये सीन कितना प्यारा हो रहा है इस टाइम, आप ये देख सकते हो मतलब ट्रैक चेंज चल रहा है भाई, पूरी की पूरी सांप हमारी ट्रेन यहाँ से बन चुकी है भाई, आप देख सकते हो। और ऊपर हाईवे चल रहा है, कोई ब्रिज वगैरह बना हुआ है भाई, ये नज़ारा कितना प्यारा है यार, इसके लिए एक लाइक कर देना यार, देखो मतलब कितना प्यारा नज़ारा है भाई, मतलब हमारी जो ट्रेन है
वो मेन लाइन ज्वाइन कर रही है भाई। आप देख सकते हैं अभी मेन ट्रैक हमने ज्वाइन नहीं किया है, आप देख सकते हैं हमारी जो है मतलब ट्रेन मेन लाइन जो है ज्वाइन कर चुकी है भाई। तो अब क्या करते हैं भाई, अब हम चलते हैं भाई थोड़ा सा। आप देख सकते हैं ना गार्ड साहब के पास ही मज़ा आता है, ऐसा नहीं यार, अच्छा लगता है गार्ड साहब के पास हम छोड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं तो ट्रेन का व्यू यार उसमें भी काफ़ी प्यारा लगता है। और आप इस वक्त देख सकते हैं मतलब ट्रेन का जो व्यू है वो कितना प्यारा है, कितना शानदार है, आप देख सकते हो भाई। तो थ्रॉटल हमने फुल कर दिया है, अभी देखते हैं भाई हमारी एक्सप्रेस मतलब कहाँ तक ले जाती है हमको, उड़ाती है हवा में या फिर हमारा दिमाग हवा में उड़ाती है, देख लेते हैं भाई। ऐसा नहीं है, अब सिग्नल तो मतलब ऐसा लग रहा है काफ़ी, मतलब कितनी दूर है हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो भाई 2 किलोमीटर है, तो इसलिए थोड़ा स्लोली स्लोली चलो, थ्रॉटल ज़्यादा फुल करने की ज़रूरत नहीं है, तो थोड़ा स्लो स्लो चलते हैं भाई। ओफो भाई देख सकते हैं मतलब अभी हमने 110 की लिमिट दे रखी है और स्टॉप भी दे रखा है, ये तो गलत बात है भाई। और हमने 110 अगर मतलब भगा ली वापस से आप स्पीड मतलब लो कर देंगे तो फिर यार मज़ा नहीं आता है। तो देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट स्टॉप है वो ज़्यादा दूर नहीं है, वो सिर्फ यहाँ से 1.5 किलोमीटर बचा है, आपको नज़र आ रहा होगा ये कोई छोटा सा स्टेशन है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, इतना ही तो मेरे को मतलब गारंटी है भाई। ये ऐसा लगता है भाई पैसेंजर ट्रेन है यार, ऐसा लग रहा है क्योंकि स्टॉप मतलब ना पैसेंजर नहीं, सॉरी भाई, अगर पैसेंजर होती तो यार अभी हम 2 स्टेशन को स्किप करके आए भाई, वहाँ पे मतलब क्यों नहीं दिया। आप देख सकते हैं पूरे का पूरा सिग्नल जो है हमारा रेड मिल चुका है, तो हम यहाँ रुकने वाले हैं। और यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है मतलब किसी ट्रेन, कोई ट्रेन आ रही है भाई, आ नहीं रही मतलब खड़ी है यार, मेरे को लग रही है, नज़र आ रहा होगा आपको भी, कोई MD लोको है शायद, आपको भी नज़र आ रहा होगा, आप देख सकते हैं कोई मतलब ये भी कोई WDG4 के साथ है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, मतलब ये भी रुका हुआ है जब हम ट्रैक को क्लियर, साबरमती शेड के WDG4 लोकोमोटिव है। चलो भाई अपनी ट्रेन पे ध्यान दो यार, और भाई और भी कोई ट्रेन खड़ी है यार, तो भाई यहाँ पे स्टॉप लेती रहेगी हमारी ट्रेन, तो हम आपको ये दिखाते हैं ये कौन सी ट्रेन है, ये भाई क्या चीज़ है भाई, कौन सी, ये WDM3D वटवा शेड का WDM3D 111 भाई ट्रेन हमारी कहाँ गई, ट्रेन पर ध्यान दो यार। तो भाई हम ब्रेक लगा चुके हैं भाई, थोड़ा सा आगे चलते हैं, लेकिन तो भाई यहाँ भी रुकते ही भाई हमको सिग्नल दे दिया गया, अच्छी बात है भाई दे दिया, लेकिन अब हम थोड़ा सा यार पैसेंजर वगैरह को चढ़ने देते हैं भाई, उनका थोड़ा ख्याल रखा जाएगा यार बेचारे भाई। देख सकते हैं इस छोटे से स्टेशन पर काफ़ी सारा ट्रैफिक है, एक हमारी एक्सप्रेस जो कि अराइव की है इस वक्त, और एक बराबर से मतलब कोई मेन लाइन पे कोई एक्सप्रेस ट्रेन खड़ी है, और उसके बराबर से कोई फ्रेट ट्रेन कंटेनर वाली मतलब खड़ी है, वो आप देख सकते हो, आपको नज़र आ रही होगी। तो भाई चलते हैं यहाँ से, सिग्नल तो मिल ही चुका है ना, तो भाई चलते हैं, पैसेंजर वगैरह बैठ गए भाई, बैठ जाना भाई आराम से, रुकने वाले नहीं फिर हम, सेकंड बजाते हो चलते हैं यार। चलो भाई अब थोड़ा सा यार हाई स्पीड एक्शन कर ही लो आज यार, आप काफ़ी देर हो गई आपको मतलब जो आपने हाई स्पीड जो एक्शन नहीं किया है, तो अब देखते हैं। अब हमारा जो है महसाना जंक्शन है जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर है, वो भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो अब हम जाहिर सी बात है ज़्यादा मतलब हाई स्पीड तो एक्शन कर नहीं सकते। ओफो भाई यहाँ से आप देख सकते हो कितना प्यारा व्यू है, हमारा जो लास्ट कोच था वो मतलब काफ़ी दूर था प्लेटफॉर्म से, तो आप यहाँ से देख सकते हो ये छोटा सा स्टेशन मतलब काफ़ी गज़ब का है, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक बहुत है यार, बहुत सारा ट्रैफिक है जो कि मतलब काफ़ी अच्छा लुक दे रहा है, मज़ा आ रहा है मतलब देखने में। आप देख सकते हैं मतलब कितना सारा ट्रैफिक है, और ये कोई एक्सप्रेस ट्रेन है मतलब जो अब हमारे निकलने के बाद शायद इन दोनों में से क्या पता भाई किसको पहले दिया जाए मौका जाने का, ये तो मेरे को नहीं पता भाई। गार्ड साहब फ्लैग वगैरह तो दिखा रहे हैं भाई, शायद इसको चलने का मौका दे दिया भाई, नहीं दिया है मतलब इतनी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं भाई, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है मतलब इस स्टेशन से जो है मतलब पहले उसको कंटेनर वाली ट्रेन को निकाला जाएगा, बाद में मतलब इसको मतलब दिया जाएगा। ओफो भाई ये स्टेशन भी यार काफ़ी प्यारा है मतलब बना हुआ, आप देख सकते हैं इसकी मेकिंग काफ़ी अच्छी है यार, काफ़ी अच्छी है। अब ये देख सकते हैं आगे फिर से हमारी अभी ट्रेन जो है अभी मेन लाइन पर नहीं आई है, तो आने वाली है, तो उसके बाद हम थोड़ा सा हल्का सा हाई स्पीड एक्शन करेंगे यार, ज़्यादा नहीं करेंगे, हल्का सा तो करेंगे। यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा ट्रैक हमारा चेंज हो रहा है, मेन लाइन ज्वाइन कर रही है हमारी एक्सप्रेस ट्रेन, क्या शानदार व्यू है भाई, और फाटक लगा है भाई, काफ़ी सारे बसें वगैरह मतलब खड़ी हैं यहाँ पे यार। तो भाई अब देख सकते हैं फाइनली हमारी एक्सप्रेस ट्रेन जो है मेन लाइन जो है ज्वाइन कर चुकी है भाई, और ये काफ़ी सारे फाटक वगैरह मतलब फाटक लगा है, और काफ़ी सारा ट्रैफिक है भाई, फाटक खुला नहीं कि चल दिए भाई,
ये ट्रक वाला मेरे को समझदार लग रहा है भाई। इसमें ड्राइवर ऐसा लग रहा है भाई असली का ड्राइवर बैठा हो भाई। ये बस भी यार काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी रियलिस्टिक मतलब है बसें हैं भाई। ट्रेन के पास जाओ भाई, अपनी ड्यूटी सही से निभाओ भाई, कहीं ऐसा ना हो आप मतलब जहाँ स्टॉप देने का हो स्टॉप ना दें और भाई निकल जाएँ सीधे। तो उससे क्या होगा ना भाई, हमारे जो पैसेंजर लोग हैं यार उनको ऐसा लगेगा यार हमको हमारी डिस्टेंस तक छोड़ा नहीं यार, ये तो गलत बात है। यहाँ से ट्रेन देख सकते हैं हमारी कितनी खूबसूरत लग रही है, काफ़ी शानदार लग रही है। और शायद ये हाईवे भी साइड से चल रहा है भाई, चलो वो उसका नज़ारा तो हम बाद में दिखाएंगे आपको, पहले बस आप ट्रेन का मज़ा लीजिए, वीडियो को एंजॉय कीजिए। थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा और मतलब वीडियो को हल्का सा और बढ़ा देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं बढ़ाऊँगा। तो भाई चलो आप देख सकते हैं मतलब ओफ भाई इस रूट पर कितना ट्रैफिक है भाई, ओफ देख सकते हैं मतलब कितनी बसें वगैरह चल रही हैं, बसें हैं कारें हैं मतलब ओफ ये पहिए पहिए चल रहे हैं भाई, ओफो भाई चलो ये सही है भाई। ये मतलब जैसे रियल में हम कभी ट्रेन में बैठे होते हैं ना भाई तो ऐसा लगता है कि हाँ ऐसा लगता है ना रियल में भी यार हमको साइड से हाईवे चलता होता है तो मज़ा आता है। तो आप देख सकते हैं इस टाइम हम सबको ओवरटेक कर रहे हैं जो हमारे साथ चल रही हैं, तो काफ़ी सारी बसें हैं उसको भी हम ओवरटेक कर रहे हैं आप देख सकते हो भाई। और ये नज़ारा मतलब रियल में भी कितना प्यारा लगता है। और जब कोई बस या मोटरसाइकिल भाई ट्रेन से मतलब आगे निकल जाती है, कभी ट्रेन मतलब अपनी असली औकात पर नहीं होती, तो भाई बुरा सा लगता है भाई हमारी ट्रेन कैसे पीछे रह गई यार। हाँ वो पीछे नहीं रहनी चाहिए। तो भाई स्टॉप फिर से आने वाला है हमारा, तो स्टॉप थोड़ा स्टॉप नहीं भाई थॉटल लो करके चलो भाई, क्योंकि रेड सिग्नल पता नहीं आज हमको मिल नहीं रहा है, ग्रीन सॉरी यार ग्रीन सिग्नल मिल जल्दी जा रहा है लेकिन फ़ौरन हम 2-3 किलोमीटर तक चलते हैं भाई और हमारा मतलब सिग्नल जो हो जाता है फिर से रेड हो जाता है। तो भाई यहाँ पे महसाना जंक्शन है, ये यहाँ पे हमारी ट्रेन जो है स्टॉप लेने वाली है। तो अब भाई स्पीड भी ज़्यादा नहीं है, कवर कर लेंगे, ऐसा नहीं है कोई डरने की बात नहीं है, हम जो है मतलब प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं जो हम क्रॉस कर जाएं, ऐसा नहीं है। ओहो भाई मतलब अभी काफ़ी अच्छा सारा ट्रैक साउंड आ रहा है, तो ब्रेक तो अप्लाई कर दिए ताकि थोड़ी सी स्पीड जो हल्की हो जाए। हॉर्न वगैरह सुन लो भाई पैसेंजर लोगों यार। और ये काफ़ी बड़ा स्टेशन है, मतलब जो अभी तक जितने हम स्टेशन मतलब अभी स्किप करके आए हैं तो सबके मतलब सबसे ज़्यादा अच्छा स्टेशन मेरे को यही लग रहा है। और यहाँ भी शायद कोई ट्रेन वगैरह अराइव कर रही है या कर चुकी है भाई, स्मोक मेरे को आ रहा है भाई, आप देख सकते हो स्मोक वगैरह आ रहा है मेरे को। ओफो ओफो भाई क्या नज़ारा है, क्या नज़ारा है गज़ब का। मतलब इस वाले प्लेटफॉर्म पर हम जा रहे हैं भाई, यहाँ पर थोड़ा ब्रेक वगैरह हम लगा के चलते हैं, फिर से एक हल्का सा ब्रेक लगा देते हैं। भाई ये देख सकते हैं कोई मतलब WDG विजयवाड़ा शेड का कोई मतलब फ्रेट ट्रेन यहाँ पे अराइव की है इस स्टेशन पे, तो ब्रेक लगा के चलो भाई। तो हमारी ट्रेन भी शायद रुक जाएगी क्योंकि स्पीड मतलब काफ़ी है भाई। और यहाँ पे भी काफ़ी सारा ट्रैफिक है आप देख सकते हैं इस स्टेशन पे। तो फाइनली हमारी ट्रेन जो है मतलब रुक चुकी है आप देख सकते हो, मतलब हमारा मतलब ट्रेन बिल्कुल रुक चुकी है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो